सीएसपी मॉक थ्री क्वेश्चन नंबर 54। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। फर्स्ट, द अंटार्कटिक ट्रीटी वॉज साइंड बाय द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स इन वॉशिंगटन। टू, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द अंटार्कटिक ट्रीटी इज टू इंश्योर इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल मैनकाइंड दैट अंटार्कटिका शैल कंटिन्यू फॉर एवर टू बी यूज एक्सक्लूसिवली for peaceful purposes and shall not become the scene or object of international discord. 3. It prohibits military activity except in support of science, comma, prohibits nuclear explosions and the disposal of nuclear waste. Which among the following statements given above are true in this regard? A. 1 and 2 only. B. 1 and 3 only. 2 and 3 only. C. D. All of the above. Answer is C, 2 and 3 only. The original, the Antarctic Treaty System was signed by Argentina, Australia, Belgium, Chile, France, Japan, New Zealand, Norway, South Africa, the Soviet Union, the United Kingdom and the United States. The treaty was signed in Washington on 1st December 1959 and entered into force on 23 June 1961. अंटार्कटिक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, अंटार्कटिक संधि केवल यूरोपीय उत्तर अमेरिकी महाद्वीपों के देशों द्वारा वाशिंगटन में हस्ताक्षरित हुई थी। दो, अंटार्कटिक संधि का प्राथमिक उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि अंटार्कटिका को संपूर्ण मानव जाति के हित में निरंतर और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अनन्य रूप से उपयोग करना होगा तथा अंतर्राष्ट्रीय असामंजस्य का कारण या दृश्य नहीं उपस्थित होगा। 3. यह विज्ञान की आवश्यकता के अतिरिक्त अन्य सैन्य गतिविधि प्रतिबंधित करती है तथा नाभिकीय विस्फोटों और नाभिकीय अवशिष्ट निपटान भी प्रतिबंधित करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए. केवल एक और दो। बी. केवल एक और तीन। सी. केवल दो और तीन। डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर सी है। मूल अंटार्कटिका संधि व्यवस्था अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान जापान न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत यूनियन, यूके और यूएसए द्वारा हस्ताक्षरित थी। यह संधि वाशिंगटन में 1 दिसंबर 1959 को हस्ताक्षरित हुई थी और 23 जून 1961 को लागू हुई थी।